1 month मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे आ जाएंगे। वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी, तो सॉरी फॉर दैट। हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ड्रीम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं यहाँ पे ठीक हूँ। First of all, I wanna thanks for everybody who is supporting me and watching my videos, and especially people from Karnataka and the place where I belong. Because you people doesn't understand Hindi, but then too you people are supporting me. So I wanna thank you so much. Love you all. I am really sorry that आप लोगों के लिए मुझे बाहर के videos capture करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा शेड्यूल ही इतना बिजी चल रहा है एंड मुझे सेटल होने में एक 15 to 20 days तो लगेंगे ही, एंड बहुत ही जेट लैग्स लग रहे हैं। लाइक टाइम सोने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज यहाँ की ठंडी ना बहुत है, अराउंड 1 degree तक जा रही है ठंडी, तो इसीलिए मुझे जेट लैग्स भी लग रहे हैं एंड मौका भी नहीं मिल रहा है मुझे बाहर जाने के लिए। जब भी कभी भी मैं बाहर जाऊंगी आप लोगों को उसके वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगी, तो सॉरी फॉर द डिले। तो कई लोगों का सवाल यही था कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, ट्रिप पे आई हूँ या मैं स्टडीज़ के लिए आई हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं ना ही ट्रिप के लिए आई हूँ ना ही मेरी पढ़ाई के लिए, बट मैं यहाँ मेरी जॉब के लिए आई हूँ। जी हाँ, मेरी जॉब लग चुकी है यूके में, इसलिए मैं यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आई हूँ। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितनी लकी है, इसकी जॉब यूके में लग चुकी है। मैं मानती हूँ कि आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड रियली रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरी जॉब यूके में लग चुकी है। बट उसके पीछे का स्ट्रगल एंड पेशेंस बहुत बहुत ही पापड़ बेलने पड़े हमें 3 years में। तो कभी मैं आप लोगों को उसका वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो चले अब जानते हैं कि मैं यहाँ अकेले क्यों आई, मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्यों नहीं आए। तो मुझे ना मेरा ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मिला था। हमने वीज़ा के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। एक बार तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट भी हो चुका था। लाइक हम लोगों ने, मेरा एंड मेरे हस्बैंड का साथ में वीज़ा लगाया था, तो एक बार रिजेक्ट भी हो चुका था। इट वॉज अ ह्यूज ह्यूज लॉस फॉर अस। देन आफ्टर वेटिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, बाय द एंड ऑफ डिसम्बर मेरा वीज़ा आया। फाइनली फाइनली मेरा वीज़ा आ चुका था। तो मुझे मेरी जॉब के लिए इमिजिएटली रिपोर्ट करना था, क्योंकि ऑलरेडी 3 months हो चुके थे, इसलिए मुझे इमिजिएटली रिपोर्ट करना था तुरंत। लाइक विद इन 6 to 8 days वीज़ा लगने के बाद आई मूव। तो अब ना मेरे हबी का वीज़ा लगा रहे हैं, तो वो भी विद इन 1 month मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे आ जाएंगे। देन नेक्स्ट सवाल आता है कि मैं यहाँ यूके पे किसके साथ रह रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहाँ मेरे बड़े भैया के साथ रह रही हूँ। मेरे बड़े भैया ना 7 years से यहाँ यूके में है एंड उनकी जॉब यूके में है, तो मैं यहाँ यूके में उनके साथ रह रही हूँ। उन्होंने एक घर लिया है, माशाल्लाह घर बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने मेरा होम टूर वीडियो नहीं देखा है तो जाएं और देखें, एंड अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑलरेडी आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियोस अपलोड करूँ तो उसे देखना आप मिस ना करें। तो आज का वीडियो ना यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो डू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।